डूबी मुंबई, डूबा बिहार, यूपी में मचा हाहाकार। शहर शहर बारिश मूसलाधार, सैलाब का खौफनाक प्रहार। आफत आसमानी, माया नगरी पानी पानी। दरक रहे पहाड़, मैदान में आफत मूसलाधार। देश की नदियों में उफान, रिहायशी इलाकों में घमासान। उफान पर नाला, मुसीबत का बुलावा। गुजरात महाराष्ट्र पानी पानी, सैलाब में फंसी जिंदगानी। बाढ़ के आगे इंसान कितना बेबस है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। खेत मकान दुकान सब कुछ जलमग्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश और यूपी में नदियों ने रौद्र रूप दिखाया। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। पहले बारिश और फिर बाढ़ के विनाश लीला ने हर तस्वीर दिखाई। यूपी बिहार के साथ गुजरात और महाराष्ट्र का दर्द आपको दिखाएंगे। जल तांडव की रूह कपाने वाली तस्वीरें आपके सामने होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कुदरत का कहर, शहर शहर जल कहर। मानसून का मौसम लोगों के लिए हर साल की तरह मुसीबत बनकर आया है। तेज बारिश ने रफ्तार रोक रखी है, बाढ़ के पानी ने शहरों को कैद कर दिया है। घर मकान स्कूल दुकान सबके सब पानी के प्रहार की वजह से लाचार हैं। तपती हुई धूप से परेशान लोगों को बारिश के बाद राहत की उम्मीद थी, लेकिन मौसम ने अपना रुख बदला तो बारिश और बाढ़ के सामने लोग बेबस नजर आए। बाढ़ के सामने बेबस आज देश के तमाम शहरों में हालात क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाढ़ का कहर, डूब रहे शहर। मौसम की मनमानी, घरों में घुसा पानी। कुदरत की मार, टूट रहे पहाड़। उफान पर नदियां, सड़क पर बहता दरिया। यूपी बिहार और असम, मौसम बेरहम। नजर के दायरे को दौड़ा कर देखिए, बाढ़ के पानी में पूरा असम इन दिनों डूबा हुआ दिखाई देगा। बेइंतहा बारिश के बाद नदी आगे बढ़ते बढ़ते आबादी के इलाके तक पहुंच गई। जो कभी गांव की जमीन हुआ करती थी वो अब नदी का किनारा बन चुका है। टूटे हुए मकान में उजड़ी हुई जिंदगी का बसेरा है।
वक्त के साथ नदी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही है। पानी के किनारे खड़े लोगों की बेबसी ऐसी कि धीरे धीरे अपना गांव डूबता हुआ देख रहे हैं। खाने की कटोरी में सूखे हुए चावल, दाल की प्याली में पानी मिली हुई दाल और अपने जीवन भर की कमाई को बचाने की कोशिश में एक बुजुर्ग। असम में अगर बाढ़ ने इतना कहर न मचाया होता तो शायद इन लोगों की जिंदगी कुछ और ही होती, लेकिन आज बाढ़ के सामने गोला पारा घुटनों पर है। जुलाई के बीच में ऐसी बारिश आई, नदियों का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा। यूपी का सिद्धार्थनगर जिला इस बात का गवाह है कि कुदरत कितना कहर फैला सकती है। शहर के बीचों बीच का हाल ऐसा है, लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग अपने मकान छोड़कर कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर बहुत लोग बगैर ऐसा के है, लेकिन यहाँ पर जो आदमी है, बहुत सारे आदमी यहाँ पे चला गया। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र वगैरह और बहुत सारे गांव ब्रह्मपुत्र पर चला गया। इधर जमीन बहुत सारा गिर रहा था, अभी जो नदी का पानी बहाव बहुत ज़्यादा है और गांव वैसे सब टूटने से पहले ही सब कुछ जो अपना अपना घर द्वार है सब कुछ लेके चले गए इधर से। अभी मान लीजिए ऊपर से एमएलए से भी कोई सहायता नहीं मिला हम लोगों को। अभी जितना नदी सा जितना पानी है वो कुछ भी इतना भरा था, बीच में तो कोई नहीं आया, एमएलए भी नहीं आया, इधर कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। पानी से घिरी लोगों की बस्तियां कभी घर हुआ करती थी, लेकिन गांव के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और लोग घरों को छोड़कर खाना बदोश जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। नाव की मदद से लोग गांव से बाहर जा रहे हैं, पानी से बचने के लिए अपने जीवन भर की कमाई लेकर भागने को मजबूर हैं। कभी इलाका लोगों के रहने की जगह हुआ करता था, लेकिन आज पानी के कब्जे ने लोगों को अपने घर से बेदखल कर दिया। सरकार जैसे सुविधा दे पाए वैसे दे भाई, नहीं तो हम लोग को तो यही परेशानी रहती है। मालूम मोचुरवा से पानी आ रहा है वहाँ झकैया से, और झकैया से बाहर बंधा नहीं बना है मोचुरवा से, तो वो पानी झकैया के ढूंढ के आपत्ति यहाँ की मिटाता है। और तीन पुलिया लागा वो भी थोड़ा थोड़ा जाता है पानी, ज़्यादा नहीं जाता है। इतने लंबा कम से कम 4 किलोमीटर में पानी भरा हुआ है, तो फिर उससे बम्बा से काम नहीं चलता। अभी तक कोई सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं व्यवस्था, कुछ नहीं किया हुआ है। जानवर को आखिर कैसे पालने, अपने बच्चों को कैसे खाना होना? हाँ, कुछ नहीं किया हुआ, वही बंधा पर मरल जाते, भूखन मरल जाते। बच्चे अपन घरे हैं, घर से पानी में हले आवत है जाते, घर में पानी हल गया है, चारा बना खाए लड़के। कुदरत की मार के आगे पहाड़ भी लाचार हैं। कर्नाटक की तस्वीरें बताती हैं कुदरत की नाराजगी क्या क्या कर सकती है। तेज बारिश के बाद टूटते पहाड़ों ने रास्ते को रोक दिया। दिन रात जुटे लोग पहाड़ को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून की मार के सामने इंसान लाचार नजर आ रहा है। सड़क पर पानी का पहरा और रास्तों में चलती नाव। बाहुबली बारिश के सामने बेबसी की हर तस्वीर बता रही है कि कुदरत की ताकत के आगे इंसान कितना बेबस, कितना लाचार, कितना मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24। जुलाई में जल प्रहार के आगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सब लाचार है। देश के कई इलाकों में बारिश से आधे हिंदुस्तान में कहें तो जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम जैसे राज्यों में बारिश ने लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट कई राज्यों के लिए जारी किया। बारिश का पानी घरों पर चढ़ करके बैठा है और लोग जान बचाने के लिए छत पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। जुलाई में जल प्रहार, यूपी बिहार सब लाचार। कुदरत का कहर, शहर शहर जल कहर। सड़कों पर बाढ़ का पानी, सैलाब में फंसी जिंदगानी। असम से केरल तक जल तांडव की तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों के रौद्र रूप दिखाते ही पूर्वांचल पानी पानी हो चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सबसे पहले आपको महादेव की नगरी काशी का नजारा दिखाते हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के 80 घाट की हैं, जहां गंगा का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि घाट किनारे छोटे छोटे मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह करने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। 50 से ज्यादा घाटों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गंगा का जलस्तर 62.85 मीटर पहुंच चुका है। बाढ़ चौकियों के साथ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन 80 घाट पर 38 स्तर तक गंगा पहुंच चुकी है। आज जो है सामने घाट, नगवा आदि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जहां पे संभावित बाढ़ जाने की आशंका है, वहां पे जाकर के उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को एहतियात के तौर पे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। और वाराणसी में 80 से लेकर के राजघाट तक 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। और गंगा आरती जहां अपने निर्धारित स्थान पर होती थी, आप देख सकते हैं गंगा आरती अब ऊपर आ गई है और यहां पे गंगा आरती की तैयारी हो रही है। शासन की ओर से ये नाविकों को ये चेतावनी दी जा रही है कि बढ़ते गंगा के जलस्तर में कोई भी नाव लेकर के जो है गंगा जी में न जाए। और सबसे बड़ी बात की NDRF और जो है जल पुलिस के जवान लगातार वाराणसी में गश्त कर रहे हैं गंगा जी में। पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ललिता घाट पर जर्मन हैंगर हटा लिया गया है। गंगा का जलस्तर अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ललिता घाट से संपर्क टूट जाएगा और बाबा के दर्शन करने आने वाले भक्तों को भारी परेशानी होगी। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती के स्थान में भी बदलाव किया गया है। मंदिरों के साथ साथ कई सीढ़ियां जल समाधि ले चुकी है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए वाराणसी के DM S राजलिंगम भी ग्राउंड जीरो पहुंचे। उधर पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बरसात थमने के कारण जलस्तर में थोड़ा ठहराव आया है, जिससे पुरोहितों और महादेव के भक्तों ने राहत की सांस ली है। वाराणसी के बाद आपको हरदोई से हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक हिरण बाढ़ की चपेट में आ गया। पानी के तेज बहाव में हिरण बह रहा था, तभी ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और उसे बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हरदोई के बाद आपको सीतापुर में बाढ़ के सितम झेलती जनता का दम दिखाते हैं। पूर्वांचल में बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने और बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया।
स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीतापुर में इधर जितने भी बेल्ट हमारे पूर्वांचल के बलिया, आजमगढ़, मऊ, उधर गाजीपुर, इधर पूरा कुशीनगर, देवरिया, खलीलाबाद, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, इधर लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत, ये सब इलाका जो हमारे रहते हैं बाढ़ के चपेट में आते हैं। लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद ये परियोजनाएं जो बन रही, जिसके कारण गांव सुरक्षित हैं और अधिक से अधिक जनधन हानि की ना हो किसी प्रकार की और सब लोग सुरक्षित रहे। यूपी के पूर्वांचल के बाद आपको बाढ़ में डूबे बिहार की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें मधुबनी की है। चार दिन बीतने के बाद भी बाढ़ पीड़ितों को कोई प्रशासनिक सहायता नहीं मिली। बाढ़ काल ऐसा आया है कि भूखे पेट लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सुशासन राज में अधिकारियों की लापरवाही ऐसी है कि बाढ़ पीड़ितों को अब तक राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। नेपाल ने जो पानी छोड़ा है उससे बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। देखबे कर जी की स्थिति है से। वह घर द्वार सब गिर पड़े, सब बाल बचा के लगे बटे रास्ता पर। तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी मिलना है आप लोग उसके? आया हुआ गाड़ी लेकर जाता है, हुरा हुरा करा, कुछ बोलता नहीं है। यहाँ मिला है आप लोगों से? कुछ नहीं मिला है अभी, अभी तक कोई आशा नहीं है। कोई राहत सामग्री है? कुछ नहीं, पन्नी उन्नी या कोई कुछ नहीं मिला है अभी तक। माल जाल बहरा में है। आप लोगों से मिलने आया है? कोई नहीं मिला, कर्मचारी भी आया तो अपना अपना चला गया, कोई नहीं जैसे अभी तक मिला है। पानी से खाना उना सब चार दिन से बंद है। अच्छा यो ने मुखिया सब सरपंच सब अच्छी सब खाना के सीओ बीओ नहीं भेजा है अभी तक? नहीं आया कोई? नहीं। मिलने भी आया कि नहीं सीओ? नहीं। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी मिलने नहीं? नहीं। चार दिन बीतने के बाद भी? हाँ। पानी तो वैसा ही अभी लगा हुआ है? हाँ पानी वैसी ही है। घर में जाके देखिए कचर कचर पानी है। बिहार के सुपौल में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार में 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पूरी तरह से पानी का कब्जा हो चुका है। जहां तक नजरें जा रही है वहां तक कटाव ही कटाव नजर आ रहा है। मतलब जलस्तर जैसे जैसे घट रहा है वैसे ही नदी किनारे कटाव तेजी से हो रहा है। ऐसे में जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के द्वारा जगह जगह विभिन्न सुरक्षा बांध और स्तरों पर भी कटाव निरोधी काम किए जा रहे हैं। सुपौल से सहयोगी रोशन के साथ विष्णु गुप्ता, भारत 24।